जो हमारे साथ है उसके बाद भी हम आज शत प्रतिशत भरोसे में हैं, हिम्मत से हैं कि आज हम जीत कर ही वापस बाहर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सारे मतदाताओं ने उनका प्यार उस दिन हमारे ऊपर झलका है और भाजपा के ऊपर, मोदी जी के ऊपर जिस वो विश्वास है उनको उनको मुझे तो यकीन है आज जीतेंगे हम और जीतेंगे। जिस अन्याय को हमने पर्दाफाश की है उससे तो लोगों को डर ही लगना चाहिए ना। जिस जिन ये 40 सालों से जिस प्रकार के प्रशासन यहाँ करते हैं, यहाँ से राज्य से अपने हाथ मिलाते हैं, उनको तो डर लगना ही लगना है। एक और तो कौन सी बड़ी बात है, समय आ गया है, अब इस प्रकार से प्रशासन नहीं चला जा सकती है। गढ़ किसका है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दिया है, कोई कठिन काम नहीं दिया पार्टी हमको। पार्टी हमको एक ऐसी ताकत दी है सच्चाई को बाहर निकालने के लिए। इनसे डरना कैसा, जो सच्चाई के बलबूते पे कभी प्रशासन की ही नहीं। सच्चाई का अपना अपना ही एक शक्ति है, डर तो बिल्कुल नहीं है। और हमको बड़ी अच्छी लग रही है कि पार्टी हमको ये मौका दिया है। ये आगे और बढ़ जाएगी, जरा कैमरा उनके पास ही रख लेना ताकि आपको लाइव मिल जाए विदाउट एनी डिस्कनेक्शन। भैया अगर सारा एग्जिट पोल में आ जाएगा तो माधवी लता जी का और मोदी भैया का भाजपा का मजा क्या है? आज जरा छोड़ देते हैं ना, थोड़ा मजा करते हैं लोगों को जाने के लिए दोपहर या शाम तक। लोगों दिगर वहाँ, यानी आप कहने का मतलब है वहाँ का इलेक्शन स्टाफ जो बैठे हैं उनका। ओके वही उम्मीद है कि सारे जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, उम्मीद है उनका चाहत, उनका न्याय और उनका लड़ाई जो 40 सालों से गढ़ को तोड़ने का है, वो अन्याय को जीत कर बाहर आ जाना चाहिए। उम्मीद है या मुझे हमारे वोटर को पार्टी लाइक बीजेपी अंडर मोदी जिस लीडरशिप to take this country towards Ujjwal Bharat. I would want to tell the entire Hyderabad voters that all my dear voters, you've really done a tremendous job. In spite of so many hurdles, you still made it a point to come out on May 13th. You have tried to show your best. You've been really lovely. You've been wonderful. You've really cooperated as a voter with me. I love my Hyderabad constituency voters, irrespective of all the religions, all the creeds, caste, creed, gender, from the all seven assembly constituencies. If there has been any discrepancies, it has been only from the state government and not by my beloved voters. Ma'am, क्या आती है 400 पार होगा? 400 पार होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। आपके लिए हैदराबाद की जनता के लिए क्या है? बस मैं अपने सारे आवाम और जनता से ही कहना चाहते हैं, आप बहुत प्यारे हो, आपने काफी मेहनत किया है मई 13 तारीख को बाहर निकलने के लिए, सच्चाई को जिताने के लिए, न्याय को जिताने के लिए। 40 साल से जो अन्याय आपके साथ हो रहा था उसको तोड़ने के लिए आपने काफी मेहनत की है। इतने मेहनत के बावजूद मुझे पता है जो हरकत उस दिन हुआ है, हम उसके लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक आपके लिए ठहरेंगे। जब तक इस शरीर में सांस है हम आपको न्याय दिलाने के लिए कतई पीछे नहीं हटेंगे। सदा आपका आशीर्वाद और आपका दुआ हमारा साथ रहना चाहिए, बस इसी का उम्मीद है हम आपसे। आई थिंक टुडे विनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिस्क्रिपेंसीज। एवे में से जरिया ही हो 13 तारीख को
అవి జరిగిన తర్వాత కూడా న్యాయం గెలవాలి అని కోరుకుంటున్నాం. న్యాయంగా న్యాయంగా కనుక ఎలక్షన్స్ జరిగి ఉంటే మేము ఎంతతోనన్నా గెలిచే దమ్మున్న వాళ్ళం, కానీ అన్యాయంగా జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో గెలవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి హైదరాబాద్ లోక్సభ పార్లమెంట్ ఈ అన్యాయం నుంచి బయటపడాలి, గెలవాలి. ఇది ఈ రోజు నేతలు అయితే మాధవిలకి ఇప్పుడే కనిపిస్తారు, ఎలక్షన్ తర్వాత కనిపించరు అంటున్నారు మేడం, వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్తారు? మూడు రోజుల క్రితం కనిపించదు అన్న ఈ మాధవి లతనే గంగానగర్ యాకుత్పురాలో ఫ్లో అవుతున్న డ్రైనేజ్ దగ్గరికి వెళ్లి అదంతా చూసి ఇక్కడ అన్యాయం జరుగుతుందని నేను చెప్పిన తర్వాత అక్కడ కార్పొరేటర్ వచ్చి అప్పుడు పంపు చేశాడు మురికి నీళ్లు బయటికి. సో ఎంఐఎం ప్రాబ్లం ఏం తెలుసా, గురిగింజ కింద నల్లం ఉంటుందంట, గురిగింజ దాని కింద ఉన్న నలుపు తెలుసుకోదు. అట్లా ఎంఐఎం కూడా కింద ఉన్న రంగులు ఆ నలుపు ఆ అన్యాయం వాళ్ళకి అర్థం కాదు. వాళ్ళకి ఎంతసేపు కుర్చీలలో కూర్చొని మాట్లాడలేదు. నవ్ యూ గోయింగ్ టు షో దెమ్ వాట్ ఇట్ ఈస్.